नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने की है। थार और कक्ष रेगिस्तान में प्रस्तावित बिजली लाइनों की लगभग 800 किलोमीटर या 10% लाइनों को अंडरग्राउंड करने की सिफारिश की गई या फिर इन लाइनों को मार्ग बदलने का सुझाव दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि लो वोल्टेज बिजली लाइनें भूमिगत की जानी चाहिए। बावजूद इसके बिजली कंपनियों और राज्य सरकारों के द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। इन सब का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है। लगभग 7,200 किलोमीटर की ओवरहेड लाइनें और सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानांतरित करने के लिए हैं, लेकिन मौजूदा लाइनों से टकराकर या बिजली का करंट लगने से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत हो जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया ये विश्व में सबसे अधिक वजन के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से इसे संकटग्रस्त कहा गया है और CITES की परिशिष्ट एक में शामिल है। फिलहाल इसकी संख्या केवल 150 ही है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।